क्या किया होगा, क्या ऐसा
करना, जब तुम बच्चों के यहाँ पाते हो तो इसका मतलब यही होता है परमात्मा मेरी बुद्धि को सर्वांग में प्रेरित कर रहा है। भगवान कहते हैं बेटा तैयार था, अभी तक तुमसे हम पूछते रहे तो तैयार होना, अब तेरी खुदाई करेंगे। अगर सत्कर्म की राह पर चलना है तो बुरे रास्ते छोड़ दो मेरे मित्र, बुरा राह दुनिया की छाई चका चौंध है, थोड़ा सा तो होगा छोड़ने में। सोचिए एक गलत ना 6 बजे मित्र मंडली बैठी थी, 9 बजे 10 बजे रात तक चलता था, उल्टे उल्टे विचार, बियर की बोतल वो लोग खोल के पीते थे, हम सारे नहीं थे पीते नहीं थे, लेकिन ग्रुप है तो आपका रहना और बुरी और गलत का साथ देना भी गलत है। अगर गलती का आप साथ दे रहे हैं वो भी गलत है। परमात्मा ने दर दर की ठोकरें खिलाई, कुछ नहीं होने के लिए मजबूर कर दिया, कुछ नहीं करने दिया, लेकिन आज हिम्मत के साथ बारे में हरि वाचा आता है और गुरुदेव ने समर्पण की बीज अपने अंदर जो मेरे अंदर डाली, ये समर्पण की बीज मेरे मित्र, आज भूल चूक में कोई गलतियां होती होगी तो हो जाती होगी, लेकिन क्या पूछकर जल्दी कोई ऊपर और गलत रास्ते पर चलने का मन नहीं बनाते हैं। ये समर्पण की आग है, कभी अखला बाजार में लिए हुआ था जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, पूछिएगा कि हम लोग कौन कौन बुराई करते हैं भैया, हम लोग कौन कौन गलती करते हैं, हम लोगों का जुगाड़ टेक्नोलॉजी कौन सा है। आज की सबसे पहले जुगाड़ टेक्नोलॉजी है कि खोज तो शॉर्ट कोर्ट मेथड में आई है, शॉर्ट कोर्ट मेथड पढ़े नहीं पास करना है, ये आपकी गलती है, ये आपकी बुराई। और पूछिए आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मैं 2 ही घंटा पढ़ूं और सफल बन जाऊं, एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाते हो एग्जाम में आपका नहीं बनता है, ईमानदारी से राजनीति शक्ति पीठ के छत पर बैठे हो तुम, दिल पर कलेजा पर हाथ रख के कहो उस दिन सोचते हो कि नहीं कि आज के बाद से खूब पढ़े, सोचते हो कि नहीं सोचते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, यही तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है कि खाली तुम सोचते हो पढ़ते नहीं हो, खाली रिजल्ट जब जाते हो देखने के लिए मानते हो और सॉरी लिखा रहता है तो ठंडे के दिनों में पसीना निकलता है, आज उससे जाकर पूछिए मेरे मित्र, युवा वो है जो करने पर विश्वास करता है, युवा वो है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का धनी होता है, युवा वो है जो संघर्ष से नहीं घबराता है, युवा वो है जिसकी जिंदगी में संग्राम आती है तो संग्राम को अपना अस्त्र बनाकर, दो चीज होता है विकट परिस्थिति में या तो कायर जो होता है वो टूट जाता है, जो भी होता है वो उठ के आगे बढ़ जाता है, चलता है। तुम यह तय करो कि उस कमजोर इंसान की तरह गिरने वाले व्यक्ति में व्यक्ति में हो कि मजबूत इंसान की तरह उछलने वालों में से हो। जिंदगी में तुम रामायण काल से उठाकर महाभारत काल से सारी घटनाओं को देखो, जब इस धरती पर जन्म लेने वाले भगवान लोगों को अवतार जिन्होंने लेकर आया उनकी जिंदगी में कष्ट आया, भगवान का उसी विधान तैयार देखी गई और राज्य अभिषेक होगी आज गति मिलेगी उस भगवान को करना सेना पड़ा। सोचिए और मैंने बोला था कि